हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 कंपेयर करने वाला हूँ मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7030 के साथ। और मैं इन दोनों चिपसेट को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो इन दोनों चिपसेट्स पे आ रहे हैं और इन दोनों का स्मार्टफोन्स का जो प्राइस सेगमेंट है वो लगभग सेम है। सो गाइज, अगर जो लोग कन्फ्यूज है कि इन दोनों में से कौन से चिपसेट वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, क्योंकि अभी सेल भी आने वाला है तो काफ़ी बल्क में जो है स्मार्टफोन जो है वो सेल होने वाले हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करूँगा कि इन दोनों चिपसेट में कौन सा चिपसेट जो है ज्यादा बेहतरीन वर्क करेगा, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 या मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7030। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों चिपसेट्स के आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 में आपको आर्किटेक्चर जो सीपीयू का मिलता है वो आपको 4x2.6 GHz पे कॉर्टेक्स A78 एंड 4x2 GHz पे कॉर्टेक्स A55। एंड वहीं आपको 7030 को मिलता है सीपीयू आर्किटेक्चर 2x2.5 GHz पे कॉर्टेक्स A78 एंड 6x2 GHz पे कॉर्टेक्स A55। दोनों ही में आपको 8 कोर्स मिल जाते हैं, साइज बिल्कुल सेम है 6 नैनोमीटर का। एंड जो जीपीयू है वो आपको माली G77MP9 मिलता है डायमेंसिटी 8020 को। एंड 7030 में आपको जो है वो जीपीयू माली G610MP3 जीपीयू मिलता है। यहाँ पे आपको जीपीयू आर्किटेक्चर जो है आपको वालहेल फर्स्ट जेन मिलता है डायमेंसिटी 8020 को। एंड डायमेंसिटी 7030 में आपको वालहेल थर्ड जनरेशन मिलता है। यहाँ पे जो जीपीयू फ्रीक्वेंसी है वो आपको 850 मेगाहर्ट्ज़ का मिलता है 8020 को। एंड 7030 में आपको 1000 मेगाहर्ट्ज़ का जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है। LPDDR4X रैम मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 को। एंड डायमेंसिटी 7030 में आपको LPDDR5 का रैम मिलेगा। यहाँ पे जो रैम फ्रीक्वेंसी है वो आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 में आपको 2133 मेगाहर्ट्ज़ का रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है। एंड डायमेंसिटी 7030 में आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम फ्रीक्वेंसी। दोनों में आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई 6 का सपोर्ट एंड ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस, ये दो हो गए इसके स्पेक्स और इसके जो वो इंटरनल स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंसेस। अब बात करते हैं अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए सीपीयू परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ पे, तो कौन सा ज़्यादा बेहतरीन वर्क करेगा। यहाँ पे सीपीयू परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहाँ पे डायमेंसिटी 8020 जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है इन कंपेयर टू 7030। गेमिंग परफॉर्मेंस में भी आपको डायमेंसिटी 8020 बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है इन कंपेयर टू 7030। एंड जो बैटरी लाइफ है वो दोनों ही में आपको सेम मिलता है। नैनो रिव्यू स्कोर में भी आपको मीडियाटेक का 8020 बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और एंटूटू स्कोर जो है उसमें भी आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है। अब बात करते हैं गीक बेंच का, तो गीक बेंच में भी आपको जो है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। सो गाइस, ओवरऑल कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में आपको जो है वो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7030 जो है उससे काफ़ी बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस देने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020। सो गाइस, इन दोनों चिपसेट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अगर आप स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं और उसमें आपको जो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 अगर चिपसेट उसमें लगा गया है इन कंपेयर टू 7030। सो गाइस, इन दोनों में से बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको जो है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 मिलेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।